लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। श्रीलंकाई क्रिकेटर धनंजय सिल्वा के साथ एक दुखद हादसा हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने वेस्टइंडीज दौरे से अपना नाम वापस ले लिया है। श्रीलंका के ऑलराउंडर क्रिकेटर धनंजय डी सिल्वा ने एक दुखद हादसे की वजह से वेस्टइंडीज दौरे से अपना नाम वापस ले लिया है। वेस्टइंडीज दौरे पर श्रीलंकाई टीम की रवानगी से महज 12 घंटे पहले उनके साथ एक ऐसी दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसकी वजह से वे कैरेबियाई दौरे पर नहीं गए हैं। दरअसल क्रिकेटर धनंजय डी सिल्वा के पिता की गुरुवार रात कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। श्रीलंकाई पुलिस की जानकारी के अनुसार राजधानी कोलंबो के उपनगर माउंट लाविनिया में धनंजय डी सिल्वा के पिता रंजन डी सिल्वा की हत्या गुरुवार को मध्य रात्रि में हुई है। बुरी तरह घायल रंजन डी सिल्वा को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। क्रिकेटर धनंजय डी सिल्वा के पिता रंजन डी सिल्वा एक स्थानीय राजनेता थे। उनकी हत्या के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। श्रीलंकाई क्रिकेट अधिकारियों ने कहा है कि इस घटना के बाद धनंजय डी सिल्वा ने वेस्टइंडीज दौरे से नाम वापस ले लिया है। बता दें कि श्रीलंकाई टीम को वेस्टइंडीज में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। हालांकि अभी इस पर श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड का कोई बयान सामने नहीं आया है कि डी सिल्वा की जगह टीम में किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है।